आपको पता है कि यूपी में बीजेपी ने फिर एक बार धुरंधर जीत कैसे हासिल की। जीत के चार दिन बाद योगी ने वो अंदरूनी कहानी बताई है जिसे सुनकर बुआ और बबुआ बस पछताएंगे। जी हाँ, योगी की कहानी में बीजेपी का वो सीक्रेट छिपा है जिसे चाहकर भी कांग्रेस एसपी या बीएसपी कॉपी नहीं कर पाए, और इस सीक्रेट का नाम है शाह का रतजगा। जी हाँ, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वो रतजगा जिसने यूपी में एक बार फिर बीजेपी का झंडा गाड़ दिया। आखिर कैसे था अमित शाह का ये रतजगा, ये सारी कहानी खुद योगी ने सुनाई है। वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, चुनाव के दौरान हम सोचते थे थोड़ा आराम का समय मिलेगा, लेकिन अमित शाह जी का फोन आ जाता था। हमें 51% लड़ाई का लक्ष्य दिया गया। रात को 2 बजे तक बैठक होती थी, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से फिर से फोन आ जाता था। यूपी के सीएम ने कहा, इस बार यूपी में जाति से उठकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। हर कोई चाहता था कि मोदी दोबारा पीएम बने। योगी बोले कि पीएम ने कहा था कि काशी में परिणाम के बाद ही आऊंगा। बहुत से लोग कह रहे थे हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रोड शो की गर्मी देख उन्होंने पलायन कर लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के अलावा अमित शाह और पीएम मोदी ने भी अपना संबोधन दिया। अमित शाह ने यूपी के बारे में कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम 50% की लड़ाई लड़ेंगे, जो हमने लड़ी और जीती भी। यूपी के बारे में अमित शाह ने कहा कि 2014 में हमने 73 सीटें हासिल की तो लोगों ने कहा कि ये तो लहर की वजह से हुआ, लेकिन 2017 में भी हमने 300+ सीटें हासिल की तो हर कोई हैरान रह गया। आज राज्य में योगी सरकार हमारे संकल्प पत्र के आधार पर आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर यूपी में अब एसपी और बीएसपी एक बार फिर से खुद को जिंदा करने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन जब एक पार्टी में इस तरह की मेहनत हो तो भला उसे जीत करना इतना भी आसान नहीं होता। यही वजह है कि पूर्वांचल में बीजेपी को इतनी शानदार कामयाबी मिली। पूर्वांचल की लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए पूर्वांचल लाइव के साथ।